अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद बहुजन समाज पार्टी के हाथी की सवारी करने की तैयारी में है। इसके लिए माफिया अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात के लिए कहा है। इतना ही नहीं, आगामी नगर निकाय के चुनाव में माफिया अतीक अहमद BSP के समर्थन से अपनी पत्नी को प्रयागराज के महापौर के चुनाव में प्रत्याशी बनाने की भी तैयारी कर ली है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कहा है कि वह जल्द ही BSP सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करेंगी। शाइस्ता परवीन ने बताया कि वह मायावती से मुलाकात कर मुसलमान और दलित गठजोड़ को लेकर बातचीत करेंगी। इसके लिए उन्हें हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ गठजोड़ की वकालत भी करेंगी। शाइस्ता ने कहा है कि मुस्लिम और दलित गठजोड़ अगर एक साथ आएंगे तो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में उसके बेहतर नतीजे भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले माफिया अतीक अहमद के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता ने भी उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना की है। शाइस्ता परवीन ने साफ तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ ईमानदार हैं। यह जानकारी उनके पति पूर्व सांसद अतीक अहमद ने उन्हें बताई है। उन्होंने कहा कि CM योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से भी पता चलता है कि वह बेहद ईमानदार हैं। शाइस्ता परवीन ने कहा कि कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि अतीक अहमद और उनका परिवार डर की वजह से योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। रही बात डर की, तो अब उनके पास कुछ खोने को है ही नहीं जिसका उन्हें डर हो। शाइस्ता परवीन ने कहा कि पति अतीक अहमद देवर पूर्व विधायक अशरफ और दो बेटे जेल में है, रहने के लिए घर तक नहीं है, किराए के मकान में रहने के लिए वह मजबूर है, तो ऐसे में डर का कोई सवाल नहीं है। शाइस्ता परवीन ने कहा कि अगर आगामी चुनाव में शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव ने साथ नहीं लिया तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आगामी चुनावों में यादव वोट बैंक भी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर BJP के साथ चला जाएगा। शाइस्ता परवीन ने दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ के बेहतरीन कार्यशैली की बदौलत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा के चुनाव में बड़ी जीत भी दर्ज करेगी।